Dear students, today we will learn about inorganic fertilizers. So in this lecture, we will discuss about inorganic fertilizers, manure, about essential nutrients for plants, and what are fertilizers, what is the difference between manure and fertilizer. तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में. इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को पढ़ने से पहले हमें पता होने चाहिए अबाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स. हमें पता होना चाहिए व्हाट आर फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उर्वरक जिन्हें कहते हैं, और मैन्योर क्या होता है, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कौन कौन से ऐसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं जो एसेंशियल होते हैं. तो इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो होगा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स. कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए एसेंशियल है. सो फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट एंड हेल्दी प्लांट, प्लांट के हेल्दी होने के लिए क्या जरूरी है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलता रहे. जैसे ह्यूमन बीइंग्स के लिए ऐसे ही प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए कुछ एलिमेंट्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड. दे आर नोन एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स. देयर आर 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं, एलिमेंट्स हैं. इनका बारे में किसने बताया, आर्नॉन एंड स्टाउट ने बताया था कि 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एसेंशियल हैं फॉर प्लांट ग्रोथ, फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ. तो ये जो 17 जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये इनको डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक्चुअली मैक्रो, ज्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में, सो दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इन हायर अमाउंट. और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल अमाउंट. तो सो दे आर नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. इन दे आर रिक्वायर्ड और दे आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉलर अमाउंट. सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 8, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, टोटल 9. अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को फिर से डिवाइड करें तो ये दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, एक है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और दूसरे हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स. अगर हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को देखें तो देयर आर 6 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स. 6 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में से जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं CHO, ये क्या है, दीज एलिमेंट्स आर द बेसिक एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चरल यूनिट को बनाते हैं. ये किसी भी प्लांट मटेरियल की, किसी भी प्लांट की स्ट्रक्चरल यूनिट को बनाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं CHO. तो ये तो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं. इसके अलावा जो NPK है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. सो टोटल 6 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं. फिर सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 3 हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स वो हैं बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोराइड, आयरन एंड निकल. सो दीज आर 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. अगर हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को देखें जो कि NPK हैं, CHO को छोड़कर जो 3 जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स वो NPK हैं. ये क्या है, दीज आर पार्ट ऑफ सेल. ये जो प्लांट सेल है उसका पार्ट होते हैं, और प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेशल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं. दे फंक्शंस एज प्लांट एंजाइम. ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स एंजाइम में, और समटाइम्स इनकी प्रेजेंस में ही कुछ रिएक्शंस होती हैं प्लांट्स के अंदर. इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, प्लांट यील्ड रिड्यूस होगी, ग्रोथ एंड हेल्थ, हेल्थ यील्ड एंड ग्रोथ रिड्यूस होती है प्लांट्स की. जनरली ये जो NPK है ये प्लांट को सप्लाई किए जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो ये जो है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, प्लांट के सेल्स के पार्ट हैं, और इनकी जरूरत होती है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी. इसलिए इनको, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो सॉइल में, तो प्लांट कहाँ से लेता है ये एलिमेंट्स, सॉइल से. तो सॉइल में क्या सप्लाई कर सकते हैं, फर्टिलाइजर की फॉर्म में NPK को सप्लाई किया जाता है. अगर हम इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस देखें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की, तो देखिए नाइट्रोजन क्या करता है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल. प्लांट सेल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये.
कहाँ का कंपोनेंट है? एमिनो एसिड्स में होता है. एमिनो एसिड से क्या बनती है? प्रोटीन्स. क्लोरोफिल में ये होता है नाइट्रोजन. विटामिन्स में नाइट्रोजन होता है. ओके तो ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसके अलावा हार्मोन्स जो है वो सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड से. सो नाइट्रोजन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल कंपाउंड्स लाइक एमिनो एसिड्स, क्लोरोफिल्स एंड विटामिन्स. ये जो नाइट्रोजन है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड सेल डिवीजन. ये प्लांट ग्रोथ एंड सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉस्फोरस की इंपॉर्टेंस अगर देखें तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड फाइटिन. जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, उनका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉस्फोरस. दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसका है? एडीपी एंड एटीपी का. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. तो इसका काम क्या है? एनर्जी स्टोरेज का. इसलिए इसको क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी भी कहते हैं. ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, और फोटोसिंथेसिस में पार्ट करते हैं. तो फॉस्फोरस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जो कि आप देख सकते हैं एनर्जी स्टोरेज का काम करता है. और ये प्लांट्स में कैसे इंपॉर्टेंट है? इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सीड फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन एंड रूट ग्रोथ. तो स्पेशल जो इसका काम है प्लांट में वो है सीड फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ एंड रूट फॉर्मेशन. जबकि नाइट्रोजन का काम मेन क्या है? सेल डिवीजन का काम मेन है नाइट्रोजन का. फिर अगर हम पोटेशियम देखें तो पोटेशियम क्या है? इसका जो इंपॉर्टेंट काम है वो है स्टोमेटा. सो इसका जो काम है स्टोमेटा को रेगुलेट करना, जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं उनको रेगुलेट करना. फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर्स. जो सुगर्स बनती हैं उनके उनमें हेल्पफुल है पोटेशियम और उनके ट्रांसलोकेशन में. और इसके अलावा ये क्या कर सकता है? इम्प्रूव करता है फ्रूट की एंड सीड्स की क्वालिटी को. तो इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे कहते हैं केले में बहुत सारा पोटेशियम होता है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये फ्रूट और सीड की क्वालिटी को चेंज करता है या इम्प्रूव कर सकता है पोटेशियम. तो तीन जो कंपोनेंट है मैक्रोन्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट लाइफ. अब हम देखते हैं कि ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने ये कहा कि जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस है वो हम फर्टिलाइजर के थ्रू सॉइल में ऐड कर सकते हैं टू इम्प्रूव दी अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. तो जो मैन्योर है और फर्टिलाइजर है जनरली ये क्या कहलाते हैं? दे आर सब्सटेंसेस दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल. ये मैन्योर या फर्टिलाइजर क्या करते हैं? सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, प्रमोटिंग प्लांट ग्रोथ एंड क्वालिटी. ये क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, क्रॉप यील्ड को बढ़ाते हैं. अब इसमें देखें मैन्योर क्या होता है. मैन्योर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड नेचुरली. जो मैन्योर है इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिक्स्ड होते हैं और ये नेचुरली फॉर्म होता है. तो ये कहाँ से मिलता है? जनरली एनिमल डंग, डिकेड प्लांट्स, ह्यूमन वेस्ट. तो ये यहाँ से जो हमें जो वेस्ट मिलेगा, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मिक्सचर मिलेगा, उसे क्या कहते हैं? मैन्योर. नेचुरली फॉर्मेशन होता है मैन्योर का. फॉर्मेशन अकर्स, द फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर अकर्स ड्यू टू बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यू. सो मैन्योर क्या है? नेचुरली फॉर्म फर्टिलाइजर है एक्चुअली. नेचुरली फॉर्म सब्सटेंसेस विच इज कंटेनिंग ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. अगर फर्टिलाइजर को देखेंगे तो इट इज एनी सब्सटेंस दैट कैन बी फॉर्म नेचुरली और सिंथेटिकली. ये जो फर्टिलाइजर है वो नेचुरली भी हो सकता है और सिंथेटिकली भी बन सकता है. और इसमें अगर हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को देखें स्पेशली, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, हमेशा बनाए जाते हैं. दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. तो फर्टिलाइजर अगर आए तो फर्टिलाइजर का मतलब, अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? हमेशा क्या होंगे? आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं. तो इनमें क्या होंगे? सिंथेटिक केमिकल्स होंगे. जो फॉर्म्स होती हैं फर्टिलाइजर्स की वो क्या क्या हो सकती है? किस किस फॉर्म में उनको सिंथेसाइज किया जा सकता है?
वो ग्रेन्यूलर फॉर्म में हो सकता है, पाउडर फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है. तो जो ग्रेन्यूलर और पाउडर फॉर्म होती हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, इजीली सॉल्युबल फॉर्म्स होंगी. और जो लिक्विड होगा वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा और उसको डाइल्यूट करके फर्टिलाइजर की तरह ऐड कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ फर्टिलाइजर्स, अब हम देखेंगे कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक होती है या क्या हो सकती है. क्या होनी चाहिए? ईजी टू स्टोर, इनको ईजीली हम उनको स्टोर कर सकें. नॉन टॉक्सिक, ह्यूमन बींग के लिए या प्लांट्स के लिए या सॉइल के लिए इनको नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. चीप होना चाहिए, क्वालिटी जो होनी चाहिए सस्ते होने चाहिए, इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए. सॉल्युबल इन वाटर, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको पानी में सॉल्युबल होना चाहिए. न्यूट्रिएंट एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन इजीली एसिमिलेटेड फॉर्म. जनरली जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम अगर फर्टिलाइजर में प्रेजेंट है तो उसको आसानी से मिक्स हो जाना चाहिए और उस तरीके से कि उसको प्लांट जो है ले सके. स्टेबल होने चाहिए फर्टिलाइजर्स को, स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि हमने उसको सॉइल में मिलाया और वो इवेपोरेट हो जाए. ओके, सो इनको स्टेबल होना चाहिए. और फिर है कि इट शुड एबल टू करेक्ट द पीएच ऑफ द सॉइल. फर्टिलाइजर्स की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? पीएच जो है वो सॉइल का करेक्ट कर सके. अगर वो अल्कलाइन है तो उसको एसिडिक कर दे, अगर मतलब उसको न्यूट्रल पीएच की ओर तक ले जाए, मेंटेन करें, रजिस्ट करें पीएच को. अगर अल्कलाइन पीएच है तो हम इस तरीके का फर्टिलाइजर्स डालें जो कि उस अल्कलाइन पीएच को कम कर दे, या अगर एसिडिक पीएच है तो हम उसमें इस तरीके का फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं जिससे कि उसका पीएच क्या हो जाए, बढ़ जाए. तो ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए फर्टिलाइजर्स की. अब फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो ये जो एडवांटेज क्या है, इमीडिएटली एक्ट, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, तुरंत एक्ट करते हैं, चीप होते हैं और इजी टू यूज होते हैं. तो ये इनके एडवांटेज हैं. डिसएडवांटेज क्या है? कैन डिस्ट्रॉय प्लांट स्ट्रक्चर. अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे फर्टिलाइजर्स तो वो क्या करते हैं, प्लांट के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं. और समटाइम्स अगर वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हैं तो उनकी लीचिंग हो सकती है. तो अगर उनकी लीचिंग हो गई सॉइल से, अगर वो चले गए घुल के, तो फिर उसकी क्या हो जाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी. क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, तीन उसकी मेन क्लासेस हैं. एक है स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स एंड मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स. स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स मींस कि स्ट्रेट अवे वो क्या कर सकते हैं, एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं. जैसे ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, दे में भी नाइट्रोजिनस, दे में भी फॉस्फेटिक, दे में भी पोटेशियम. नाइट्रोजिनस मीन्स नाइट्रोजन टाइप, फॉस्फेटिक मीन्स फॉस्फोरस टाइप, पोटेशिक मीन्स पोटेशियम टाइप. तो ये क्या करते हैं, केवल एक टाइप के प्राइमरी न्यूट्रिएंट को ही सप्लाई करते हैं. नाइट्रोजिनस होंगे तो केवल नाइट्रोजन को ही सप्लाई करेंगे, फॉस्फेटिक होंगे तो केवल फॉस्फोरस सप्लाई कर पाएंगे, और पोटेशिक होंगे तो वो केवल पोटेशियम को ही सप्लाई कर पाएंगे. एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट क्या सप्लाई करेगा? नाइट्रोजन. कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, तो ये क्या सप्लाई करेगा? फॉस्फोरस. तो ये केवल एक टाइप के एलिमेंट को ही सप्लाई करते हैं सॉइल में. दूसरे तरीके के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हैं. जनरली वो दो या तीन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं. तो ये जैसे फॉर एग्जांपल एनपी टाइप, पीके टाइप, केएन टाइप या एनपीके टाइप, दो या तीन एलिमेंट्स को ये सप्लाई कर सकते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है डाई अमोनियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट या फिर अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट. तो जैसे अमोनिया, अभी आपको मैं दिखाऊंगी इनके फॉर्मूलाज, तो ये क्या कर सकते हैं, दो या तीन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेंगे. और तीसरे तरीके के जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स. मिक्स्ड फर्टिलाइजर मतलब कि जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर है, मतलब नाइट्रोजिनस और फॉस्फेटिक और पोटेशिक जो फर्टिलाइजर्स है उनको अगर मिक्स करें डिफरेंट प्रपोर्शन में फिजिकली या मैकेनिकली तो क्या बनते हैं, मिक्स्ड फर्टिलाइजर. ये कंटेन टू और थ्री प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, तो ये क्या कर सकते हैं, दो या तीन इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं. तो जैसे हमने दो स्ट्रेट फर्टिलाइजर को मिक्स किया तो वो दो तरीके के एलिमेंट्स सप्लाई करेगा. अगर हमने फॉस्फेटिक और पोटेशिक को मिक्स कर दिया, फर्टिलाइजर को डायरेक्ट मिक्स करेंगे, तो फिर मिक्स्ड फर्टिलाइजर बनेंगे.
सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर. अगर मैंने यहाँ पर दो तरीके के आपको फर्टिलाइजर्स दिखाए हैं, एनपी टाइप एंड के एन टाइप. तो यहाँ पर देखिए, जैसे एनपी टाइप, इसमें ये जो अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट डाइहाइड्रेट. सो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे ये क्या सप्लाई करेगा, नाइट्रोजन भी फॉस्फोरस भी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस. तो ये जो तीन फर्टिलाइजर हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सप्लाई कर सकते हैं, तो ये एनपी टाइप कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं. के एन टाइप फर्टिलाइजर, जैसे के एन ओ थ्री है, तो ये दोनों तरीके के एलिमेंट्स जैसे के और एन दोनों को सप्लाई करेगा. के एन ओ थ्री को हम क्या कह सकते हैं, नाइटर कह सकते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर कहते हैं, या बंगाल सॉल्ट पीटर, या शोरा भी कहते हैं. मिक्स्ड फर्टिलाइजर के एग्जांपल अगर आप देखेंगे, जैसे पीके टाइप, देखिए एक हमने ये वाला जो कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट, दो जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर थे उनको मिक्स किया डिफरेंट प्रपोर्शन में, तो ये क्या बन गया, ये फॉस्फोरस भी सप्लाई करेगा और पोटेशियम भी सप्लाई करेगा. अगर हम एनपीके फर्टिलाइजर देखें तो इनको इस तरीके से नाम देते हैं, जैसे 5-10-10, मतलब 5% नाइट्रोजन है, 10% फॉस्फोरस है और 10% पोटेशियम है. तो जैसे अमोनियम सल्फेट लिया, एन टाइप फर्टिलाइजर हो गया, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट लिया, पी टाइप फर्टिलाइजर हो गया, पोटेशियम सल्फेट लिया तो पी के टाइप फर्टिलाइजर हो गया. तो अगर इन तीनों को मिक्स कर दें एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, तो ये एनपीके फर्टिलाइजर है जो कि नाइट्रोजन सप्लाई करेगा, फॉस्फोरस सप्लाई करेगा और पोटेशियम सप्लाई करेगा. तो ये एनपीके टाइप जो फर्टिलाइजर्स हैं, जनरली जहूरी एग्रोकेमिकल लिमिटेड गोवा ये मैन्युफैक्चर करती है इस तरीके के फर्टिलाइजर, जो कि जिसमें एन भी है, पी भी है, के भी है, तीनों एलिमेंट्स को ये सप्लाई कर सकते हैं सॉइल में. तो आई थिंक आप कंपैरिजन समझ गए कि मिक्स टाइप क्या है. मिक्स टाइप है कि स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स को मिक्स कर देना, जबकि जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है वहां पर मिक्सिंग नहीं है, वहां पर डायरेक्ट हम ये कंपाउंड सब्सटेंस प्रिपेयर कर रहे हैं. यहां पर ये मिक्सचर है, ये जो मिक्स्ड टाइप है ये क्या है, मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा सॉल्ट के. अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स. तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, जिनको एन टाइप फर्टिलाइजर भी कहते हैं. तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है. सो दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स. ये दीज नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स में कंटेन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स लाइक सल्फर एंड कैल्शियम. तो इनमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, और मेन जो ये सप्लाई करते हैं वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेंगे जो कि नाइट्रोजन होगा. नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं. जैसे पहले टाइप की जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं वो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं. नाइट्रेट फर्टिलाइजर में एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, और एक और एग्जाम्पल मैं भी आपको दिखाऊंगी, दैट इज बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट. इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स जो हैं, दे आर हाईली मोबाइल, हाईली सॉल्युबल, एंड दे इंक्रीज एल्कलिनिटी. एल्कलिनिटी क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम और सोडियम भी अटैच्ड हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, जो एल्कलिनिटी है उसको बढ़ाते हैं सॉइल की. अब हम देखेंगे बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट कैसे सिंथेसाइज किया जाता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है. सो दिस इज बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 होल ट्वाइस CaO. इसको हम कहते हैं नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी इसको कहते हैं. ये पाउडर्ड लाइम स्टोन की रिएक्शन जब HNO3 से करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट. और इस कैल्शियम नाइट्रेट की रिएक्शन जब कैल्शियम ऑक्साइड से करेंगे तो क्या मिलेगा, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट. अब जो नाइट्रेट्स होते हैं उनकी एक इस जो पर्टिकुलर जो उनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि वह बहुत सॉल्युबल होते हैं, और ये सॉल्युबल होते हैं, और जनरली प्लांट जो है नाइट्रेट की फॉर्म में ही नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. तो डायरेक्टली ये जो नाइट्रेट्स हैं ये इनसे प्लांट जो है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो अगर एज अ फर्टिलाइजर देखें हम इसको बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट को, तो इट इज डेलिक्विसेंट, डिसॉल्युबल इन वाटर, सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड नाइट्रोजन. कैल्शियम यानी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो है वो कैल्शियम है, और प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या है, नाइट्रोजन, डायरेक्टली टेकन अप बाय द प्लांट. कोई रिएक्शन नहीं होनी है, सीधे इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे सॉइल में प्लांट इसको ले लेंगे, क्योंकि ये क्या है, नाइट्रेट,
और नाइट्रेट के फॉर्म में ही प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा जो ग्रुप देखेंगे हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का, वो देखेंगे एमाइट फर्टिलाइजर्स। एमाइट फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन का ग्रुप है, वैसे ये क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंडर आएंगे क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट इट कैन गिव्स नाइट्रोजन टू द सॉइल। ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है सॉइल में। तो एमाइट फर्टिलाइजर्स ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नहीं है, बट की दीज आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड दे आर सिंथेसाइज्ड, दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इजीली। ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर है बट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, तो ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का पार्ट नहीं है, बट हम उसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हम नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स मे बी इनऑर्गेनिक और मे बी ऑर्गेनिक। तो ये जो एक हमने इसमें पहला एग्जाम्पल है यूरिया, जो कि NH2CONH2 है। अगर हम यूरिया की प्रिपरेशन देखें तो यूरिया की सिंपल प्रिपरेशन है कि जब अमोनिया की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम कार्बामेट, और अमोनियम कार्बामेट को अगर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यूरिया। यहां पर जो अमोनिया है ये कहां से बनती है, हैबर प्रोसेस से ली जाती है। और दूसरा जो मेथड है इसको प्रिपेयर करने का वो है कि अमोनिया की प्रिपरेशन हम कैसे करें, क्रूड नेफ्था की हेल्प से। केवल जो अंतर है मैन्युफैक्चरिंग में वो ये अंतर है कि यहाँ पर अमोनिया जो मैन्युफैक्चर हो रही है वो हैबर प्रोसेस से आ रही है, यहाँ पर जो अमोनिया फॉर्म हो रही है वो क्रूड नेफ्था से आ रही है। तो क्रूड नेफ्था को जब हम क्या करेंगे, पार्शियल कम्बशन करेंगे तो क्या बनेगा, COH2। और COH2 जब वाटर की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट कोबाल्ट क्रोमियम एंड आयरन, ये क्या बनाएगा, CO2H2। और यहाँ से H2 जो है वो N2 से रिएक्ट करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड इट विल फॉर्म NH3। उसके बाद ये NH3 की रिएक्शन हम इसी तरह कर सकते हैं, इस NH3 की रिएक्शन किससे करेंगे, CO2 से, कार्बामेट बनेगा और कार्बामेट को जब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यूरिया। दोनों मेथड में अंतर यह है कि अमोनिया जो है वो उसको प्रोडक्शन का तरीका अलग है, यहाँ हैबर प्रोसेस से, यहाँ क्रूड नेफ्था से अमोनिया बनाई जाती है, उसके आगे की प्रोसेस दोनों में सिमिलर है। यूरिया के अगर एडवांटेज देखें तो क्या है, देखिए एडवांटेज क्या है, यूरिया में हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट होता है, अबाउट 46.6%, बहुत सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, और आप जानते हैं वाटर सॉल्युबल है, पानी में आसानी से घुल जाता है, कैन बी स्टोर्ड, आसानी से स्टोर किया जा सकता है क्योंकि ये एक्सप्लोजन नहीं होता इसमें, और इट रेजिस्ट पीएच ऑफ सॉइल, मेंटेन करता है पीएच सॉइल की पीएच को। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं यूरिया के, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, नॉट वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल नहीं है, यूज्ड इन डायल्यूट सॉल्यूशन, डायल्यूट सॉल्यूशन में यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम यूरिया डालते हैं तो उसके बाद हमको उसमें पानी बहुत डालना पड़ता है, ठीक है, और ये जो है वो जब हम सोइंग टाइम होता है उस समय इसको अप्लाई नहीं कर सकते, जब फसल हो जाती है उसके बाद हम यूरिया अप्लाई करते हैं। यूरिया का जो एज अ फर्टिलाइजर वो किस तरीके से एक्ट करता है सॉइल में, यूरिया जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमोनिया, और अमोनिया पर कौन एक्ट करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्युबल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, और ये जो नाइट्रेट्स हैं दे कैन टेकन अप बाय द प्लांट। सो सॉल्युबल नाइट्रेट्स, क्योंकि अमोनिया पानी में नहीं घुलेगा, यूरिया पानी में घुलेगा, लेकिन इस फॉर्म में वो प्लांट उसको नहीं लेते हैं, प्लांट किस फॉर्म में लेते हैं, जब ये आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, जब ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा, नाइट्रेट की फॉर्म में आ जाएगा, तब इसको प्लांट लेंगे। तो जब ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करते हैं इस अमोनिया के ऊपर, तब ये सॉल्युबल नाइट्रेट्स को प्लांट ले सकते हैं। दूसरा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन कंटेनिंग एमाइड ग्रुप, वो है नाइट्रोलाइम या कैल्शियम साइनाइड, CaCN2। CaCN2 कैसे बनता है, जब CaC2 की रिएक्शन किससे करते हैं, N2 से, 8000 डिग्री टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। नाइट्रोलाइम प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करता है, एक तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम प्रोवाइड करता है और प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इसको हम ऐड कर सकते हैं बिफोर सोइंग, तो इसको सॉइल में मिक्स कर सकते हैं बिफोर सोइंग। और अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो कैसे वर्किंग करता है, जो CaCN2 है फर्टिलाइजर की तरह कैसे एक्ट करेगा, CaCN2 एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड यूरिया। ये यूरिया क्या बनाएगी, देखिए पानी के साथ रिएक्ट करके अमोनिया, यहां पर आपने रिएक्शन देखी थी,
फिर ये अमोनिया पर नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, नाइट्रेट्स। फिर ये नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स को कौन टेकअप कर सकता है, उसको प्लांट ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो फर्टिलाइजर की तरह जो प्रोसेस है वो इस तरीके से होती है, फाइनली नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है और नाइट्रेट्स जो है वो प्लांट इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थर्ड ग्रुप फर्टिलाइजर्स का जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स का हम पढ़ेंगे वो है अमोनिकल फर्टिलाइजर्स। अमोनिकल फर्टिलाइजर्स हम यहाँ पर दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट हम पढ़ेंगे जो कि प्रिपेयर किया जा सकता है, ये प्रिपेयर किया जाता है सिंथेटिक फर्टिलाइजर फैक्ट्री में। और दूसरा हम मेथड देखेंगे अमोनिया से ये कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो इसके अंदर हम एक ही फर्टिलाइजर पढ़ेंगे, दैट इज अमोनियम सल्फेट, और इसको हम क्या कहते हैं, सिंदरी फर्टिलाइजर भी कहते हैं, क्योंकि ये बिहार के सिंदरी जगह पर ये फर्टिलाइजर बनाया जाता है। इसका नाम है सिंदरी फर्टिलाइजर। इस सिंदरी फर्टिलाइजर को सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का मेथड है अमोनिया कहां से आई, हैबर प्रोसेस से। जब अमोनिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, अमोनियम कार्बोनेट। और ये अमोनियम कार्बोनेट में जब कैल्शियम सल्फेट का सस्पेंशन वाटर में हम बनाते हैं तो ये क्या बना देता है, अमोनियम सल्फेट, और इसका नाम क्या है, सिंदरी फर्टिलाइजर, क्योंकि ये सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है। तो ये इसकी प्रोसेस है कि सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री में किस तरीके से बनता है। दूसरा मेथड इसको प्रिपेयर करने का है अमोनिया से। अमोनिया कैसे बनाएंगे, अमोनिया बना सकते हैं अमोनिकल सॉल्ट्स जो है उनकी रिएक्शन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो अमोनिया जनरेट होगी। देखिए अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड से क्या जनरेट की, अमोनिया। और ये अमोनिया जब H2SO4 से रिएक्ट करती है 60% H2SO4 और स्टीम इसमें हम पास करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट जो है वो सिंदरी फर्टिलाइजर कहा जाता है, लेकिन सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनाने का मेथड उसका दूसरा है, जहां पर अमोनियम कार्बोनेट की कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई जाती है, जबकि यहां पर जो दूसरा मेथड है वो है अमोनिया की रिएक्शन विद H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम। एज अ फर्टिलाइजर अगर हम इसको देखें तो सिंदरी फर्टिलाइजर में 24.25% अमोनिया होती है, और इसमें अमोनिया है। और अगर हम इस सिंदरी फर्टिलाइजर को सॉइल में ऐड करेंगे तो ये अमोनिया को नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया किसमें कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, और ये नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स कैन इजीली टेकन अप बाय द प्लांट्स। फोर्थ कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की वो है नाइट्रेट्स एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर्स। ये मिक्सड है, नाइट्रेट्स एंड अमोनियम दोनों तरीके के इसमें फर्टिलाइजर्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरीके से हम इनको मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कैल्शियम नाइट्रेट भी है अमोनियम नाइट्रेट भी है। तो ये जो दो अलग अलग क्या है फर्टिलाइजर्स, स्टेट फर्टिलाइजर्स है, इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को हम CAN भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसकी। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, अमोनिया, अमोनिया कहाँ से बनी, हैबर प्रोसेस से, ठीक है। दूसरा हमें क्या बनाना है, इस अमोनिया से हमने क्या बनाया, NH4NO3। NH4NO3 कैसे बना, जब NH3 की रिएक्शन HNO3 से करी, HNO3 कहां से आया, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से HNO3 बनाया। HNO3 और ये जो NH3 हैपर प्रोसेस से आई, इन दोनों को मिक्स करके क्या बनाया, NH4NO3। दो कंपोनेंट हमें चाहिए, एक चाहिए अमोनियम नाइट्रेट, दूसरा चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए हमने NH3 की रिएक्शन HNO3 के साथ करी, और कैल्शियम नाइट्रेट बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HNO3 से करी। तो हमें दो कंपोनेंट मिल गए, NH4NO3 एंड CaNO3। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, CaNO3 एंड दो सॉल्ट हैं कैल्शियम नाइट्रेट, जैसे हम डबल सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं इसी तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट और NH4NO3 को मिला के क्या बन गया, कैन बन गया। ये जो कैन है इसको, ये हाइड्रोस्कोपिक होता है नेचर में, इसलिए इसको कोटिंग की जाती है सोप स्टोन से। इसकी कोटिंग करनी पड़ेगी इस मटेरियल की, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक है। अगर एज अ फर्टिलाइजर इसको देखें तो इसमें 20% नाइट्रोजन होती है, वाटर सॉल्युबल है ये, और इट कैन इजीली रिड्यूस एल्कलिनिटी, क्योंकि इसमें देखिए कैल्शियम प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, और इसमें नाइट्रेट भी है, नाइट्रेट की वजह से इट रिड्यूसेस एल्कलिनिटी। दूसरे तरीके का जो मिक्स्ड जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। यहां पर भी आप देख सकते हैं दो सॉल्ट ऐड किए गए, एक अमोनियम सॉल्ट है सल्फेट है और एक अमोनियम नाइट्रेट है, इसको ASN कहते हैं। और इसमें ये भी डबल सॉल्ट आप एक तरीके से कह सकते हैं,
और यहां पर आप इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इसमें हमें एक तो ये सॉल्ट बनाना है देखिए, और एक ये सॉल्ट बनाना है। इन सॉल्ट्स के लिए हमें क्या चाहिए, अमोनिया। अमोनिया कहाँ से आएगी, हैबर प्रोसेस से। दूसरा जो सॉल्ट हमने बनाया है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट कैसे बनाया, जैसे हमने यहाँ बनाया था NH3+HNO3, NH3+HNO3, HNO3 कहाँ से आया, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, NH4NO3। दूसरा हमें कौन सा सॉल्ट चाहिए, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट कैसे बनाया, जब NH3 की रिएक्शन H2SO4 से की। अब हमारे पास दो कंपोनेंट है NH4NO3 एंड NH4 2SO4। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट नाइट्राइट, जिसको ASN कहते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें एज अ फर्टिलाइजर, तो आप देखेंगे इट इज अ गुड फर्टिलाइजर फॉर सुगर केन क्रॉप। इट इज सॉल्युबल, क्योंकि प्रॉपर्टी होगी हर एक फर्टिलाइजर की वो सॉल्युबल होगा, और इट रिड्यूसेस एल्कलिनिटी, ये भी क्या करेगा, एल्कलिनिटी को रिड्यूस करता है सॉइल की। नेक्स्ट ग्रुप है फर्टिलाइजर्स का, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स यानी पी टाइप, जिसमें क्या होगा, फॉस्फोरस जो सप्लाई करेगा प्लांट्स को वो कहलाएंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। सो फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स आर नोन एज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। फॉस्फोरस कंटेंट इज एक्सप्रेस्ड इन P2O5%। तो फॉस्फोरस को हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं, P2O5 की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जनरली जो फॉस्फेटिक रॉक्स होती हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होती हैं, उनमें भी फॉस्फेट होता है, जैसे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है, एपेटाइट है, लेकिन इन ये इनसॉल्युबल है इसलिए इनको फर्टिलाइजर की तरह ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस में। जो फॉस्फेटिक रॉक्स हैं उनको भी किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या हमको क्या चाहिए, सॉल्युबल, एक्चुअली हमको सॉल्युबल फॉस्फोरस कंपाउंड चाहिए जो कि फर्टिलाइजर की तरह एक्ट कर सके। तो वो जो सॉल्युबल फर्टिलाइजर है वो मेन तीन है, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सल्फेट एंड फॉस्फेटिक स्लैग। तो पहला अगर हम पढ़ें कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो स्लेक्ड लाइम है और लाइम स्टोन, इन दोनों से प्रिपेयर कर सकते हैं। जब स्लेक्ड लाइम या लाइम स्टोन की रिएक्शन H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड से करते हैं तो क्या मिलेगा, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये क्या है, सॉल्युबल है पानी में, और इसमें लगभग 50-60% क्या मिलता है, P2O5 रिच है, P2O5 में फॉस्फोरस रिच ये सॉल्युबल कंपाउंड है ये। और क्या कहा जाता है इसको, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट भी कहते हैं इसको। इसका नाम क्या है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, क्योंकि इसमें जो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम है उससे लगभग 3 times P2O5 ज्यादा होता है। सो इट कंटेन्स 3 times P2O5 देन सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। सो इट इज एन इम्पोर्टेंट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर विच इज सॉल्युबल इन वॉटर। नेक्स्ट जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है वो है कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सल्फेट। तो ये जो फर्टिलाइजर है इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट था रॉक की हेल्प से, हम इसको फॉस्फेटिक रॉक्स उसकी रिएक्शन जब H2SO4 से करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट मिलेगा। जब इसकी वाटर से ट्रीटमेंट करेंगे तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में। तो जिप्सम और जो कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है इसको ऑल टूगेदर क्या कहते हैं, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सल्फेट। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, इसका नाम है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। इसमें जो P2O5 की परसेंटेज है वो 18% है, और इससे पहले आपने देखा जो जिसको हमने ट्रिपल सुपर फॉस्फेट कहा था वो क्या था, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, उसमें लगभग 50-60% P2O5 था। तो इसका जस्ट जो है वो 3 times P2O5 था, इसलिए उसका नाम क्या था, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। इसको जो है केयरफुली स्टोर करना होता है, क्योंकि ये समय के साथ क्या होता है, हार्ड लंप्स बना देता है। तीसरे तरीके का जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है वो है फॉस्फेटिक स्लैग, जिसको हम कहते हैं Ca3PO4 2SiO3। एक्चुअली ये क्या है, डबल सॉल्ट है, देखिए मिक्स्ड दो सॉल्ट्स को मिला के ये बनाया गया है, और ये जनरली बाई प्रोडक्ट है स्टील इंडस्ट्री का। स्टील इंडस्ट्री में कैसे बनता है, स्टील इंडस्ट्री में जो फॉर्मेशन होगा P2O5 का, P2O5 कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड
ये स्लैग, इसमें जो हम फ्लक्स मिलाते हैं उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, स्लैग बनाएगा। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम सिलिकेट, तो ये क्या बनाएंगे, फॉस्फेटिक स्लैग। और ये कहाँ पर बन रहा है, स्टील इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है, और इस बाई प्रोडक्ट को हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर हम इसका फर्टिलाइजर की तरह यूज देखें तो हम देखेंगे कि इसको हम थॉमस स्लैग भी कहते हैं, फॉस्फेटिक स्लैग को थॉमस स्लैग भी कहते हैं। इसमें लगभग 14-18% P2O5 होता है, और ये जो सॉइल है उसकी एसिडिटी को कम करता है। तीसरा जो ग्रुप है फर्टिलाइजर्स का वो है पोटेशिक फर्टिलाइजर्स, के टाइप फर्टिलाइजर्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम कंटेंट, पोटेशियम सप्लाई करेगा ये प्लांट्स को, और इसका जो पोटेशियम कंटेंट है इट इज एक्सप्रेस्ड एज K2O। K2O की फॉर्म में इसका हम पोटेशियम कंटेंट एक्सप्रेस करते हैं। दो क्लास हम इसकी पढ़ेंगे, एक होगी क्लोराइड फॉर्म और एक होगी नॉन क्लोराइड फॉर्म। क्लोराइड फॉर्म जैसे जिसमें कि क्लोराइड होगा, जैसे KCl, तो ये पोटेशियम सप्लाई करेगा। इट इज सुटेबल फॉर एसिडिक एंड हैवी सॉइल, क्लेई सॉइल जो होंगी, हैवी सॉइल जो होंगी उनमें हम KCl ऐड कर सकते हैं। अनसुटेबल फॉर शुगर केन, टोबैको एंड पोटैटो। इसमें 58-60% K2 होता है KCl में, और ऑल्सो कॉल्ड एज मुरिएट ऑफ पोटास, KCl को हम कहते हैं। दूसरे तरीके का जो ग्रुप है, जो सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप इज नॉन क्लोराइड फॉर्म, जिसमें कि क्लोराइड नहीं होगा, जैसे KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम नाइट्रेट को अगर देखें तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट बिकॉज इट हैज हैविंग नाइट्रेट, और जो प्लांट है वो नाइट्रेट की फॉर्म में जो फर्टिलाइजर से उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्ट पीटर और नाइटर, इसको हम क्या कहते हैं, नाइटर या सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। इसमें 44% K2O होता है। एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड नाइट्रोजन, ये हमने आपको पहले बता दिया। फर्टिलाइजर में दो तरीके के प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करता है सॉइल में, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन। यूज्ड फॉर फ्रूट ट्रीज के लिए यूज किया जाता है, टोबैको एंड वेजिटेबल्स के लिए भी इसको फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। पोटेशियम सल्फेट अगेन ये वाटर सॉल्युबल है, नॉन क्लोराइड टाइप का फर्टिलाइजर है। इसमें लगभग 48-50% K2O है, और इसको कहते हैं सल्फेट ऑफ पोटाश। इसका नाम क्या है, सल्फेट ऑफ पोटाश। तो ये पोटेशिक फर्टिलाइजर्स हैं जिनमें कि पोटेशियम सप्लाई करने की क्षमता होती, कैपेबिलिटी होती है टू द सॉइल। अगर हम इस चैप्टर, इस लेक्चर को कंक्लूड करें तो हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अबाउट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को पढ़ने से पहले हमने कुछ और भी टर्म्स पढ़े, जैसे हमने पढ़ा अबाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किया, जो कि 17 होते हैं, और उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे कैन बी क्लासिफाइड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैन अगेन क्लासिफाइड एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। सो वी आर डीलिंग विद द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के साथ डील कर रहे हैं, जो कि 6 होते हैं। 6 में से 3 जो है CHO, दे आर द स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। उसमें से जो 3 बचे NPK, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में मेनली। और हमने पढ़ा अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एक्चुअली मैन्योर जो है होता है वो नेचुरली फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं जिनमें कि ग्रोथ को बढ़ाने की क्षमता होती है, इसकी क्वालिटी को चेंज, प्लांट की क्वालिटी को चेंज कर सकता है। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जनरली सिंथेटिकली वो बनाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स तो जनरली सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को ही कहते हैं, और जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो ग्रेनुलेटर फॉर्म में या फिर पाउडर्ड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में अप्लाई किए जा सकते हैं सॉइल में। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो होनी चाहिए वो हमने पढ़ी फर्टिलाइजर्स की, जैसे इजी टू स्टोर होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल, सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड देन द स्टेबल, दे शुड बी स्टेबल। अगर हम फर्टिलाइजर्स का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है तो 3 तरीके के हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स एंड मिक्स फर्टिलाइजर्स। और अगर हम उसकी कैटेगरीज देखें तो हमने 3 तरीके के फर्टिलाइजर पढ़े, नाइट्रोजिनस जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, देन हमने पढ़े फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो कि फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं, और पोटेशिक फर्टिलाइजर जो कि पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के लिए। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को फर्दर हमने डिवाइड किया नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में, एमाइट फर्टिलाइजर्स में, और देन अमोनियम फर्टिलाइजर्स में,
हमने इसको डिवाइड किया, और उसके अलावा हमने जो इसको डिवाइड किया है वो नाइट्रेट एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर्स में। इसमें से जो अमाइट फर्टिलाइजर्स थे वो कैसे फर्टिलाइजर्स थे, एक्चुअली दे आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। देन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में हमने तीन तरीके के मेन जो फर्टिलाइजर्स पढ़े, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सल्फेट एंड फॉस्फेटिक स्लैग। फॉस्फेटिक स्लैग स्पेशली इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री। देन हमने तीसरे तरीके के जो फर्टिलाइजर पढ़े वो पढ़े पोटेशिक फर्टिलाइजर्स, और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, क्लोराइड एंड नॉन क्लोराइड फॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड दिस लेक्चर हैज हैड कवर्ड ऑल द aspects of fertilizers including classification, including characteristic, including the functions, including the different kinds of fertilizers. So this is all about inorganic fertilizers. Thank you very much.